हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार बेसिकली एकदम से हमारा प्लान बन गया जाने का। सिमी ने कहा कि ना एक दिन की छुट्टी आने आना कर लेंगे, मम्मी डैडी से भी मिल लेंगे। सो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। मम्मी डैडी उसके हरिद्वार में है अभी। हरिद्वार में एक डांडी नाम का गाँव है, सो वहाँ जाएंगे हम। आपको दिखाएंगे विलेज की कैसा है। गाँव की हवा दिल्ली के कंपेरिजन काफ़ी अच्छी होती है। दिल्ली में तो बस जहरीली हवाएं चलती हैं। वहाँ जाके दिखाएंगे आपको क्या क्या है, कैसा है। काफ़ी बड़ा घर है उनका, वहाँ गार्डनिंग भी होती है। चलो चलते हैं फिर, दिखाते हैं आपको। चलिए। हेलो गाइस, ड्राइविंग मैं करूँगा। सो जाने की तैयारी हो रही है। यूवी को मॉस्किटो काट रहे हैं। यूवी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, हम देरी होने थोड़ी है। हाँ देर हो गई है, देर हो गई ना। तो पापा देरी लगाते हैं। सीएनजी तो भरवानी है ना अभी। हाँ सीएनजी भरवानी है। सीएनजी भरवानी है बस हमको, और तो निकल ना फिर सीधा नाग मिलते कल। हेलो गाइस, अभी हम खाने पीने के लिए रुके हैं। सो हमने एक रेस्टोरेंट जगह है, छोटी वाला रेस्टोरेंट। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, कुछ खाएंगे, पहले कुछ पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। खाने का तो आपको पता ही है मेरा शुरू से ही। सो भूख लग रही थी तो सोचा खा ही लेते हैं। यूवी क्या खाओगे खाने में? पता नहीं, पर मुझे फोन चाहिए पापा का। फोन चाहिए? खाने में क्या खाओगे ये तो बताओ, खाने में क्या खाओगे? चिकन चकुचा फोन। और पापा तो फोन भी खा लोगे। और पापा को फोन भी खा जाओगे तो पापा वीडियो कैसे बनाएंगे? और पापा ने भी खा लोगे। पापा को भी खा जाओगे? ओ चलो गाइस, मैं भी आपको दिखाते हैं क्या क्या करेंगे खाना पीना। ये देखो सिम्मी आई है हमारी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, अब नींद से भी आ रही है, अब ड्राइविंग करनी है दोबारा। बताते हैं आपको रास्ते का व्यू दिखाऊंगा मैं आपको, नाइट का कैसा है। तब तक के लिए बाय।
आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंद जानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंद जानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, हेलो गाइस, जस्ट अभी पहुँचे हैं, सो काफ़ी थक चुके हैं, तो अब जाएंगे अपना सेट करेंगे मामला सब कुछ, पापा उठे हैं, मम्मी उठी हुई हैं, अंदर हैं, सो गाइस जस्ट अभी घुस रहे हैं रूम में। ओह, ये गांव का ये रूम है, ये किचन है भाइयों, ये पुराने टाइप की किचन, पूरी दो दो कुकर रखे हुए हैं, बहुत खुश है मैं। देखो नानी का रेडियो पुराना, वो टीवी भी साथ में पड़ी है पुराना। ओह माय गॉड, ये सिमी के नानो का पुराना रेडियो, उस टाइम में सीधा है क्या? आई थिंक ये कवर है रेडियो इनका, ये टीवी है। ओ माय गॉड, लालम लाल रेड ब्यूटी। ये इनका दूसरा रूम है, ये नानी नानू तो प्यार कर रही है। ये नानी नानू मम्मी के। मॉर्निंग गाइस, वो हो चुकी है अभी, जस्ट टाइम हुआ है, वेट 10 बज गए हैं सुबह के। सुबह सोच रहे थे कि हरिद्वार जाएंगे, बट आँख ही नहीं खुली, रात को 11:30 बजे आए हम लोग। कल शाम को हम लोग दिल्ली से करीब 6 बजे तक निकले थे, 6 बजे निकलने के बाद यहाँ हम रात को पहुँचे 11:30 बजे। करीब 200 किलोमीटर का पड़ा हमें रन। सो रास्ते में रुकते हुए आए थे, अपना बच्चे थे, फैमिली थी। सो आइए आपको दिखाता हूँ गांव कैसा है। ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी धूप, धूप भी इतनी अच्छी लग रही है, मजा ही कुछ और है गांव का। चलिए दिखाता हूँ आपको।
ये दोस्तों नींबू के पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं यहाँ पर नींबू, आम के भी लगे हुए हैं। अब केयर नहीं हो पाती है यहाँ पर, ऐसी कोई नाना नानी है नहीं, सो मम्मी पापा आते हैं एक दो महीने बाद, तब तक आसपास जो पड़ोसी है वो नींबू तोड़ लेते हैं और आम आते हैं तो तब तोड़ लेते हैं। गर्मी के डेज में मुश्किल होता है यहाँ पर आना। ये सामने आम के पेड़ लगे हुए हैं, खेती बाड़ी होने का टाइम हो चुका है। यहाँ पर एक मंदिर है वो दिखा दो, यहाँ पर भी लोगों ने बना लिए हैं काफी ऊंचे ऊंचे, पहले पूरा क्लीन था साफ। लोग अब गांव में वापस आने हैं भैया, गांव में जो सुकून फ्रेश एयर है वो दिल्ली में कहाँ है। दिल्ली में सब तो दिखावा ही है, जस्ट शो ऑफ, नथिंग एल्स। ये देखिए खेत ही खेत, गन्ने के खेत आगे जाके, सारे गन्ने के खेत आगे। गन्ने के खेत सारे, जय हनुमान जी, हाँ श्री रोशन जी। पहले इसकी एंट्री यहाँ से होती थी भैया, जब पहले पूरा क्लीन था, अब बंद कर दिया बैक का रास्ता। जय सूर्य नारायण जी, आओ इधर आओ, जय हो। यू वी व्हाट आर यू डूइंग बेटा? मिट्टी का घर बना लो माउंटेन में। मिट्टी का घर बना रहे हो माउंटेन वाला? ओके चलो मेरा घर देख कर। देख रहा है ये जो आपका घर, ओ माय गॉड, वाह जी वाह। कौन कौन रहेगा इस घर के अंदर? सब रहेंगे। बहुत लंबा बनाने वाला हूँ मैं, ऊंचाई तक। ऊंचाई तक वाला, ओ माय गॉड, काम चल रहा है काम। देखो गाइस खेतों में साग उगा हुआ है, साग आज यहीं से कटाई करके घर लेके जाऊंगा। अब हमारे मेहता साहब घर के लिए साग तोड़ रहे हैं, ताज़ा ताज़ा गांव का साग। पापा आराम से
ये मानना है कि ताजा ताजा खेत का साग तोड़ के बनाने से जो टेस्ट आता है साग का वो डिफरेंट ही होता है। और ये चीजें हमें दिल्ली NCR में तो देखने को बिल्कुल ही नहीं मिलती, क्योंकि वो इतना पॉल्यूटेड एरिया है। और गांव आए और साग ना लेके गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो गाइस, ग्रीन चिली। गाइस, सारी मूली हैं, आप देख सकते हैं। एक मूली बाहर को भी निकली हुई है। सारी मूली का खेत है पूरा। भाई ये अपना भाई है, मूली निकालता हुआ। टूट गई मूली पहली, कोई नहीं। ये पूरी मूली निकली एक, ये दो छोटी है। अच्छा, कैसे पता चलता है कि नीचे ज्यादा बड़ी है, मतलब पत्तों से के अकॉर्डिंग? नहीं, नहीं, इससे जैसे ये ना। अच्छा, बाहर को निकल गई है। हाँ। ओके, जैसे निकली हुई है तो जो बाहर निकली है, कोई नहीं, निकाल लो ना फिर इनको ही। ये बड़ी है तो ये है। अंदर छोटी ये छोटी है। अच्छा, छोटी। कोई ज़्यादा बड़ी हो नहीं रही क्या? दिस वन। ये तो बहुत बड़ी बड़ी निकाल रहे थे भाई। ये इधर से निकाल के ये निकल रही हैं बड़ी बड़ी। वहाँ तो आता ही जाता है, जाता आता रहता है। जैसे खेत का वो होता है अलग ही, मतलब खेत। ओ भाई, अब वापसी की तैयारी हो रही है। अब जाएंगे दोबारा दिल्ली। कल रात को आए थे 11 बजे तक। कल यूवी का स्कूल भी है, सिमी का भी है, सो वहाँ जाके भी तैयारी करनी है। जाना भी जरूरी है स्कूल, तो बस मिलने आए थे। काफ़ी टाइम हो गया था, हरिद्वार नहीं आए थे डांडी में। सो बाकी रास्ते का भी आपको बताता रहूँगा कहाँ कहाँ हम दोबारा ब्रेक लेंगे। अराउंड 200 किलोमीटर का पड़ गया है डिस्टेंस हमारा। लेट मी चेक वन साइड का। यस, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ गया एक साइड का। सो आते आते टाइम भी लग गया, ट्रैफिक था, वरना तो 4 hours में इजीली बंदा पहुंच जाए यहाँ पर। फ्रेश एयर है गांव की, मिस करेंगे थोड़े दिनों में, फिर देन दोबारा अपना काम हम अपना लग जाएंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।
गाइस अभी हम यहाँ पर आए हैं खाने के लिए। अब करीब 10 किलोमीटर का बचा है घर हमारा। आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा हो जैसे मेरे पहले के व्लॉग पसंद आए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।